Hello, bachle, let's read the question. Angular momentum of a particle moving in a straight line is always constant with respect to a fixed point. Okay, question देखें कि जो angular momentum होगा particle का moving in a straight line वो constant होता है with respect to a fixed point. बिल्कुल सही है. मान लो हमारे एक particle है ऐसे straight line में ऐसे जा रहा है. अब कोई fixed point मान लो यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, इसके respect में जो angular momentum का हमेशा constant रहेगा. ये बिल्कुल सही है. अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, ठीक है. अब देखो जब पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट में मूव करता जा रहा है, अब देखो जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम वुड बी m v r परपेंडिकुलर. अब देखो जो r परपेंडिकुलर होगा पार्टिकल का, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे इस फिक्स पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये ही होगा हमेशा. m भी सेम रह रहा है, v भी सेम रह रहा है, जो r परपेंडिकुलर है ये भी सेम रह रहा है. तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये कॉन्स्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, ठीक है. सो हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दे रखी है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, तो ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट होगी. उसका सेकंड में देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी रिमेन सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये तो गलत है. अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी तो आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी डिफरेंट हो जाएगा, है ना. अगर मान लो आपकी, जैसे अगर मैं अगर डिस्क की बात करती हूँ, डिस्क की अगर मैं बात करूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, हमारा इसका डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू. अगर मान लो अगर एक्सिस में यहाँ पे ले लो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होगा. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी होता है वो पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट होगी. हम बोल सकते हैं ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.